की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सते गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे समस्त सुंदर साहिब जी, आप उपस्थित हो रहे हैं हमारी गुड़गांव से। आशा जी, हमारे सुनील जी, अंशु जी जयपुर से, हमारे नरेंद्र जी, संतोष जी गुड़गांव से, हमारी सुनीता जी, शोभित जी जयपुर से, हमारी सुमन जी प्रणामी पदमपुर से, हमारी अनीता जी पटेल यूएस से, समस्त सुंदर साथ जी आप उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम धाम धनी जी के श्री चरणों में अपने चित्त को जोड़ते हुए, अपने सुरता को जोड़ते हुए श्यामा जी के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी मिलके करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, मैं हर बर साए रखना। मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, मैं हर बर साए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा श्यामा रानी, कृपा बर साए रखना, नूर बर साए रखना, हमको जगाए रखना। मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बर साए रखना, मैं हर बर साए रखना, अपना बनाए रखना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त लाडली आत्माओं के अर्श दिल के अंदर विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने भी तक के अंदर सुना कि किस प्रकार से हमारे धाम दुल्हा शिरजी साहिब जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके ब्रिज और रास की लीला का हमें आनंद दे रहे हैं। कैसे ब्रज मंडल के अंदर 11 वर्ष की लीला हुई, 11 वर्ष और 52 दिन की लीला, और 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला है वो काल माया ब्रह्मांड की लीला का हमने आनंद लिया। और काल माया ब्रह्मांड जो है ना सुंदर साथ जी, काल माया क्या है, योग माया क्या है, ये दोनों ही धाम धनी जी की माया है, काल माया भी और योग माया भी। काल माया हमें धनी जी से दूर करती है, ठीक है, और योग माया हमें धनी जी के चरणों में बुलाती है, उनसे मिलन करवाती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमने कितने आनंद से सुना किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के साथ गोपियां 52 दिन तक बात नहीं करती, ना ही श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ बात करते हैं। फिर 52 वाले दिन श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाने के बाद सारी सखियां अपने अपने घरों से निकली। अब लाडले सुंदर साथ जी, ये सखियां कोई और ही नहीं थी, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये सखियां हम ही थी। हम ही अपने घरों में से किस प्रकार दौड़ के निकली, जो श्रीजी साहिब जी रास ग्रंथ के अंदर आज भी हम सुंदर साथ को आह्वान करते हैं, आज भी बार बार प्रमाण देते हैं, ब्रिज और रास का एग्जाम्पल देते हैं, हमें समझाते हैं कि एने पगले आपन चालिए, ए पगला आपन प्रमाण। सुंदर साथ जी, जो पगले जो कदम हमने ब्रिज से रास के अंदर भरे, कैसे ब्रिज मंडल से रास के अंदर हम सारी सखियां दौड़ के गई। कल हमने सह विस्तार सुना कि किस प्रकार से सखियां पति को भोजन करा रही हैं तो थाली में पैर दे के निकल गई, बच्चे को नहला रही हैं तो लोटा सर के ऊपर गिर गया, स्तन पान करवा रही थी तो छोड़ के चली गई। कितना प्रेम उमड़ा सुंदर साथ जी उस समय में। आज हमारे अंदर वो श्रद्धा वो प्रेम फिर से प्रकट करने के लिए धनी जी भी तक वाणी चर्चा सुना रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, ब्रिज और रास के अंदर जाने वाली आत्माएं भी तो हम हैं, और आज भी वही हम आत्माएं हैं, क्योंकि अभी तक कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि हम हर वर्ष सुन लें और सुनने के बाद हम जो के त्यों बने रहे। नहीं लाडले सुंदर साथ जी, ये बीतक वाणी चर्चा हमें याद दिलाती है कि हमने कैसी रहनी, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार हमारा ब्रज मंडल के अंदर था, कितना प्रेम हम धनी जी से करते थे, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी ने श्री कृष्ण जी ने जैसे बांसुरी बजाई तो हम सारी सखियां दौड़ के अपने घरों से निकली। कल हमने ये सह विस्तार सुना। अब योग माया ने दे धरी, हम गाते हैं ना सुंदर साथ जी, योग माया ने
देह धरी हांजो योग माया ने देह धरी श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने श्री श्यामा जी थैया तैयारा ने हांजो योग माया ने देह धरी। योग माया को, योग माया कौन है? केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर श्री कृष्ण जी हुक्म करते हैं केवल ब्रह्म की स्वामिनी को कि ए योग माया, आप मेरी सारी सखियों को नए तन धारण करवाकर और मेरे पास ले आओ। और अब जैसे सखियां दौड़ के निकली घरों से, सखियों का मन था कि हम इसी शरीर से जाके मिले श्री राजी महाराज से, श्री कृष्ण जी से, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी ने श्री कृष्ण जी ने योग माया को हुक्म कर दिया कि इन सब के नए तन धारण करा के और फिर वृंदावन के अंदर हमें रास खेलनी है। तो इस समय में ये जो ब्रह्मांड है, शिव जी फरमाते हैं घर ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो तारतम्य की दो निर्धार। ए स्वरूप ए वृंदावन कहते ये जो वृंदावन है और ये जो श्री कृष्ण जी ने स्वरूप धारण किया है ये कहाँ है? कहते परम धाम से परे, परम धाम से दूर है। घर थी तीत घर से परे, ब्रह्मांड थी अलगो इस ब्रह्मांड से अलग है। तारतम्य की दो निर्धार, ये तारतम्य वाणी ने निश्चित करके हमें बताया कि कहाँ पे ये रास हो रही है। बिल्कुल साफ बता दिया कि ये रास केवल ब्रह्म की स्वामिनी के हृदय में ये रास रचाई जाती है। तो सखियां नए तन धारण करके सुंदर स्वरूप सज के और अखंड वृंदावन के अंदर पहुंचती हैं। श्री कृष्ण जी ने, श्री राजी महाराज ने इतना सुंदर वृंदावन तैयार किया जो शिवजी वाणी में फरमाते हैं कि नौतन जमुना है ना, नौतन चंद्रमा, नौतन वहां पे सारा कुछ एकदम नया नया बनके तैयार हुआ। योग माया का सुंदर ब्रह्मांड, सुंदर यमुना जी, सुंदर बाग बगीचे और उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब सारी सखियां पहुंची तो श्री कृष्ण जी वहां कहते हैं सखियों को देख के, सखियों सुस्वागतम, ए सखियों आपका स्वागत है वृंदावन के अंदर। और आप सारी की सारी सखियां वृंदावन में आई हो, अच्छा वृंदावन देखने के लिए आई हो क्या? श्री राजी महाराज ने कहा कि वृंदावन देखने आई हो तो चलिए सारा का सारा वृंदावन देखिए वृंदावन कैसा है। तो ये जो वृंदावन दिखाया वो पूरा का पूरा हमारे रास ग्रंथ के अंदर 11वां प्रकरण, उसके अंदर पूरे वृंदावन के अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां फल कितना कुछ है वो सारा का सारा रास ग्रंथ में अखंड वृंदावन दिखाड़ियो वाले प्रकरण के अंदर वर्णन किया। वो जो धनी जी ने वर्णन किया वो सारा का सारा प्रकट रूप में हमें वाणी में प्रसाद मिल गया। ठीक है सुंदर साहब जी, अब जैसे ही धनी जी ने देखा, श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये सारी सखियां आ तो गई हैं, है ना, ये वही सखियां है ना जब इनको मैंने जन्मदिन मनाने के लिए कहा था और इन सखियों ने मुझे आगे से कहा था, मैंने कहा था आइए मेरा आज 11वां जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन हम वृंदावन के अंदर आनंद के साथ मनाएंगे। तो इन सारी सखियों ने मुझे जवाब दिए थे कि अब हम कुल वधुआ नार हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी सास है, ससुर है, परिवार है, तो हम कैसे आपके साथ वृंदावन में रास खेलने के लिए आ सकते हैं।
अब वाला जी के मन में आया कि इनकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, इनसे बात तो करनी चाहिए। तो वाला जी सखियों से पूछते हैं, कुशल छेम कई ब्रज मा, ब्रज के अंदर आनंद मंगल है, केम आव्या आणी वेर जी। रास के अंदर कहते हैं धामदानी कि वहां ब्रज मंडल के अंदर सब कुछ सर्व कुशल तो है ना, सब ठीक ठाक तो है, केम आव्या आणी वेर जी, आप किस प्रकार से ब्रज मंडल में चली आई हो, सारी की सारी सखियां क्यों आई हो, देख लिया वृंदावन, दर्शन कर लिया वृंदावन के, क्योंकि धनी जी ने दर्शन करवा दिया, दीदार करा दिया। अब वाला जी कहते हैं कि ए सखियों, आप इस टाइम आई हो और ऐसे निशाचरी जीव जंतु पशु पक्षियों की घनघोर आवाजें हैं, निशाचारी जीव बोलने छे त्यारे था से भयंकर जी। कहते रात का समय जब हो जाएगा ना तो ये सारे जीव पशु पक्षी जंतु बोलने लगेंगे, और आपको इस समय आधी रात के समय घर पे होना चाहिए। जाइए आप अपने घर पे, अपनी पति की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। तुम तो कुलवधुआ नार हो ना, तो कुलवधुआ नार को रात के समय अपने घर अपने परिवार अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सारी बातें सखियां खड़ी होके सुनने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब वेदों से शिक्षा देने लगे कि पति अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, दलिद्री हो, कोटी क्यों ना हो, ऐसे पति को भी पतिव्रता स्त्री छोड़ के नहीं आती, और तुम आधी रात के समय अपने पति को और अपने घर परिवार वालों को छोड़ के आ गई हो। हम सारी सखियां अखंड वृंदावन के अंदर श्री राजी महाराज की ये सारी बातें सुनती रही, सुनते सुनते स्वांसी सखियां तो बेहोश होके गिर गई, राजसी भी, और तामसी सखियां खड़ी रही, और तामसी सखियां कहती हैं कि आपकी बात पूरी हो गई क्या, अगर पूरी हो गई तो हम आपके सामने एक बात रखते हैं वाला जी, आप बताओ वाला जी कि एक मालिक ने बड़ा सुंदर बगीचा लगाया और उस बगीचे के अंदर एक माली रखा, ठीक है। अब वो बगीचे को माली इतना सुंदर सींचता है, अब उस बगीचे के अंदर सुंदर सुंदर फूल फल सब विकसित हो गए हैं, क्योंकि माली पूरा चौकीदारी कर रहा है, और अब आप बताओ कि वो जो फूल विकसित हुए हैं उन फूलों के ऊपर हक किसका है, अधिकार किसका है, उस माली का अधिकार होना चाहिए ना वाला जी। सखियां कहने लगी माली का अधिकार होना चाहिए ना, श्री कृष्ण जी बोले नहीं, अरे माली का अधिकार थोड़ी होना चाहिए, मालिक का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि माली ने तो खाली उसको सींचा है, पर बगीचा किसका है, बगीचा तो मालिक का है ना। तो सारी सखियां कहने लगी वाला जी से, हम अपना देगे का भाव छोड़कर और आपके श्री चरणों में प्रेम श्रद्धा भक्ति भावना के विकसित फूल हैं धनी जी। कौन से फूल हैं? प्रेम श्रद्धा भक्ति के विकसित फूल हैं धनी जी। हमारी आत्मा के ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए आप ही बताओ। तो वाला जी इस समय में चुप हो जाते हैं। सखियां कहने लगी बताओ ना प्रीतम, आप बताओ ना कि जिस माली ने बगीचे को सींचा है, चौकीदारी की है, रक्षा की है, पूरा बगीचा लगाया है, उसका हक होना चाहिए या मालिक का होना चाहिए। तो वाला जी बोले कि सखियों, वो तो उन्होंने चौकीदार नियुक्त किया है ना,
बगीचे के लिए, पर बगीचे के फल फूल के ऊपर हक तो मालिक का ही है। तो सखियों ने कहा, वाला जी हमारे शरीर के ऊपर उनका हक था, ठीक है, वो हमने छोड़ दिया, पर हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम से परिपूर्ण ये जो आत्मा रूपी फूल है इसके ऊपर धनी किसका हक है। तो धनी जी चुप हो गए। फिर सखियों ने एक और प्रश्न किया कि ए वाला जी एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री का पति परदेश में चला जाता है 5 वर्ष के लिए, और जब वो जाने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि अगर आप चले जाओगे तो फिर मैं आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करती, आपको पानी पिलाए बिना मैं पानी नहीं पीती, और अगर आप चले जाओगे ना तो फिर मैं मेरे पतिव्रता धर्म का पालन कैसे करूं। तो उस पति ने अपना एक चित्र दे दिया, अपनी एक फोटो दे दी कि जब तक मैं बाहर से बिजनेस करके ना आऊं तब तक आप मेरी फोटो को ही भोग लगाना, मेरी फोटो की सेवा करके भोग लगा के और आप अपने धर्म का पालन करते रहना, ठीक है सुंदर साथ जी। अब वाला जी अखंड वृंदावन के अंदर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं और सारी सखियां सुंदर श्रृंगार सज धज के अखंड वृंदावन जिसकी तेज जिसका नूर जिसकी लाइटें जगमग जगमग हो रही हैं, ऐसा नूर निकल रहा है, ऐसा तेज निकल रहा है, और सखियों के वस्त्र वार नहीं है के प्रकरण में नख तनी जोत जारे तमे जुओ ताए कई कोट सूरज धंपाए। एक सखी के एक नाखून की जोत के आगे करोड़ों करोड़ों सूरज ढक जाएं, इतना प्रकाश इतना तेज एक नाखून की जोत में से निकल रहा है। विचार कीजिए सारी सखियों के स्वरूप में से, सारी सखियों के श्रृंगार वस्त्र आभूषण, और वो इतना सुंदर नूरी वृंदावन, वहां पे कदम का वृक्ष और उस वृक्ष की डाली डाली पत्ता पत्ता इतने सुंदर हीरे नंगों से जड़ित, शीतल ठंडी हवा चल रही है, और इतना सुंदर चंद्रमा पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णिमा की रात है ना, हम गाते हैं ना पूनम की रात देखो आई रे आज खुशियों भरा है समा, पूनम की रात देखो आई रे, कौन सी रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, हमें धनी जी ने बांसुरी बजा के बुलाया है। अब वाला जी का इतना सुंदर स्वरूप हमारे सामने है और हम सखियों में से सारी सखियां कुछ गिरने लगी कुछ बेहोश हो गई, लेकिन श्री इंद्रावती जी सखी जिनका रास के अंदर नाम है मानिक दे, वो मानिक दे सखी कहने लगी, श्री इंद्रावती जी वाला जी से कहने लगी, वाला जी अब आप मेरी दूसरी बात सुनिए कि वो जो पति है ना वो जो चित्र दे के गया है अपना, अब वो बाहर चला गया और वो इतने टाइम से चित्र की ही सेवा पूजा मतलब सेवा कर रही है, पहले उनको भोग लगाती है, उनको पानी पिलाती है तब पानी पीती है, उनको भोजन करा के कुछ खाती है। आज वाला जी क्या हुआ, जब वो पतिव्रता स्त्री भोग लगा रही थी अपने चित्र रूपी पति को, तब उसका पति बाहर से आ गया। 5 वर्ष के बाद पति बाहर से आता है और बाहर खड़ा होके ना उसका पति दरवाजा खटखटाता है। तो वाला जी एक तरफ तो पति की पूजा हो रही है, वो पति की पूजा कर रही है, उस पूजा को छोड़कर दरवाजा खोलने जाए या पहले अपनी पूजा पूरी कर ले, क्योंकि पूजा को छोड़ के तो दरवाजा खोलने नहीं जाना चाहिए ना वाला जी।
पति बाहर खड़ा है, दूसरी बात यह पति बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा होके दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसी घड़ी में उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? तो वाला जी बोले कि अरे वो तो चित्र की पूजा कर रही है ना, उस चित्र की पूजा को छोड़ के दौड़ के उसको दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि जब असली पति आ गया तो उसको दरवाजा खोल देना चाहिए। सारी सखियों ने इकट्ठे होके कहा वाला जी हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वाला जी ने कहा क्या हो गया? बोले कि वो तो हमारे चित्र रूपी पति थे ना, जब हमारे असली पति ने हमारी आत्मा का दरवाजा खटखटाया, बांसुरी बजाई, आवाज दी, तो हम दौड़ के अपने पति अक्षरातीत धाम धनी तो आप हो ना, हमारी आत्मा के पति तो आप हो ना। तो अवगुण पति ना मुकिए तो गुण धनी मुकिए केम जी। आपने कहा ना कितने भी अवगुण हो पति के अंदर तो भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप तो गुणों के भंडार है ना वाला जी, तो हम आपको छोड़ के कहां जाएं, हम तो आपके चरणों में आए हैं। तो वाला जी बिल्कुल चुप हो गए और कहने लगे आओ हम वृंदावन के अंदर दर्शन करते हैं और वृंदावन का आपको आनंद देते हैं। और तब वाला जी कहते हैं आज राज पूर्ण काज, श्री इंद्रावती जी कहने लगी वाला जी से आज राज पूर्ण काज मन मनोरथ सुंदरी, आज हमारे श्री राज श्री कृष्ण हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ए सुंदरियो मारे वाले करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग, हमारे वाला जी के अंदर इतनी उमंग उठी हृदय में कि सारी सखियों को बुलाया, रमाणे नवे नवे रंग अद्भुत लीला आजरी, हमें नए नए रंग हमारे हृदय में पैदा करके और हमें आनंद देने के लिए रास के अंदर बुलाया है। अब श्री राजी महाराज सारी सखियों को अखंड रास की लीला का आनंद देने जा रहे हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जो ब्रज की लीला थी ना, वो ब्रज की लीला तो सखियों को दिखाई, क्योंकि अक्षर की बाल लीला है ब्रजमंडल की लीला, और ब्रजमंडल की जो बाल लीला है वो सखियों ने देख ली। ठीक है, अब जो लीला होने जा रही है वो अक्षर भगवान को दिखानी है, जो अक्षर भगवान के लिए कहा कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत सोसुद अक्षर को नहीं जो किनबिद केल करत, अक्षरातीत के रंग माहौल के अंदर जो श्री राज जी महाराज ब्रह्म सृष्टि के साथ हास विलास करते हैं ना, वही हास विलास महाराज के अंदर करके दिखाएंगे। किनको दिखाएंगे? अक्षर भगवान को। ब्रज की लीला किसके लिए थी? बाल लीला देखने की इच्छा किसकी थी? बाल लीला को हम सुंदर साथ ने देखा। तो लाडले सुंदर साथ जी ब्रज की लीला काल माया ब्रह्मांड का पतन हो गया, अब योग माया ब्रह्मांड के अंदर सारी के सारी सखियां पहुंच गई और सारी सखियों को श्री वाला जी हमारे प्रीतम हमारे धनी आनंद की लीला दिखा रहे हैं। महारास हो रहा है और महारास करते करते एक सखी के अंदर दो दो ईश्वरी सृष्टि बैठी हैं, क्योंकि 12,000 ब्रह्म सृष्टि हैं और 24,000 कुमारिकाएं हैं। अब जो 24,000 कुमारिकाएं हैं ना सुंदर साथ जी, वो एक एक ब्रह्म सृष्टि के दिल में आके बैठ गई। 36,000 सखियों के साथ महारास हो रहा है और महारास का आनंद इतना कि हर सखी के साथ श्री कृष्ण जी आनंदकारी लीला कर रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं सखियों को। जो हम रास के अंदर गाते हैं श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोहर जंग करती पूरण रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग।
परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, हो श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, परे आतम परे, हो 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 आ आ आ आ, अंगे अंगे उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अंगे अंगे उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी केल करे, कामनी केल करे, श्यामा जी श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरण रंग। कितनी रास की रामते हैं सुंदर साथ जी, वो सारी रास की रामते, कभी हमने वाला जी को आम का पेड़ बना दिया कि हम दही और दूध से सिंचेंगे, कभी हमने वाला जी को कहा वाला जी आपके तो, श्री इंद्रावती जी कहती है आपके चरणों में आभूषण कितने सुंदर पहने हुए हैं, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा एक दिन मैं आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों पे लगाऊंगी, अपने कंठ के साथ लगाऊंगी, वाला जी ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। श्री इंद्रावती जी अनंत लीलाएं करती हैं, कहती हैं वाला जी आभूषण आपके चरण कमलों में दिखाना, ये कांबी कैसी पहनी हुई है आपने, ये कांबी दिखाना आपकी, कितनी प्यारी लग रही है कांबी, थोड़ी पास करना। तो श्री इंद्रावती जी को अपना चरण कमल दे देते हैं श्री कृष्ण जी, और जब वो कांबी को देखने लगती हैं श्री इंद्रावती जी, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने शर्त रखी थी कि वाला जी आपके चरण कमलों को आपके सामने मैं कंठ से भी लगाऊंगी, अपने नेत्रों से भी लगाऊंगी, तो वाला जी ने कहा था ऐसा मैं कभी करने नहीं दूंगा। श्री इंद्रावती जी ने वाला जी के चरण पकड़ लिए, पकड़ के कहने लगी कि वाला जी आपके आभूषण कितने सुंदर हैं, एक बार देना, एक बार मैं आपकी कांबी को, चरण कमलों की कांबी को अच्छे से देखना चाहती हूँ, इसमें कितने सुंदर नंग हैं, कितने सुंदर रंग हैं, कितनी सुंदर पुतलियां बनी हुई हैं। वाला जी सीधे साधे भोले भाले, उन्होंने अपना चरण कमल श्री इंद्रावती जी को दे दिया, और श्री इंद्रावती जी ने झटके के साथ उस चरण कमल को अपने सीने से लगाया, अपने कंठ से लगाया, तो सारी सखियां शोर मचाने लगी कि हम जीत गए जीत गए। अनंत लीलाओं के अंदर कभी आंख मिचौनी की रामत खेलते हैं, है ना, ये सब हमने वाणी चर्चा के अंदर सुनी है, क्योंकि डेढ़ वर्ष से हम सारे सुंदर साथ सब तरह की वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं, हमने सुना है ये सारा कुछ। तो अनंत प्रकार की लीलाएं रास के अंदर हो रही है। अब इस समय में रास खेलते खेलते धनी जी के मन में आती है ये बात, जब जोश लियो खेच कर तब चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यो चौक के फिरी आतम। कहते सखियों के अंदर क्या आ गया था, सखियों के अंदर अहम भाव आ गया था। सखियां श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि ए वाला जी रास में आपने हमारी सारी इच्छाएं तो पूर्ण कर दी, पर एक इच्छा अभी एक शेष रह गई है धनी, आपने जब बंसी बजाई थी ना तो हम दौड़ के घर से निकली आपके चरणों को पकड़ने के लिए, पर
हम चरणों को पकड़ने का भाव जो था ना, मेरे दिल में भाव था, हमारे दिल में भाव था कि हम चरणों को पकड़े, तो भाव हमारा दिल का दिल में ही रह गया, है ना। अब आप ऐसा कीजिए बालाजी, अब बालाजी को ऑर्डर देने लगी। बालाजी ने देखा कि ये सखियां तो मेरे पे हुक्म चलाने लगी हैं, मुझे ही हुक्म देने लगी हैं। सखियों ने कहा, बालाजी आप ऐसा कीजिए, हम सारी की सारी सखियां वृंदावन के अंदर छुप जाती हैं और आप फिर से बांसुरी बजाएं और फिर हम दौड़ के आपके चरणों में आके प्रणाम करेंगी, ये हमारी इच्छा है। तो सारी सखियां जाके कहां छुप गई, वृंदावन के अंदर छुप गई। और जब वृंदावन के अंदर छुप जाती हैं तो श्री कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं कि राधा जी चलिए अपने आगे चल के बांसुरी बजाते हैं। तो राधा जी के मन में भी अहम भाव आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि श्री कृष्ण जी कभी तो किसी के बाल सवार रहे थे, कभी किसी की साड़ी ठीक कर रहे थे, कभी चोटी गूंथ रहे थे, अनंत प्रकार के लाड और प्यार कर रहे थे। तो सखियों ने सोचा, बालाजी तो हमारे दीवाने हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, इस समय राधा जी से श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा, चलिए अपने कुंज निकुंज में चलते हैं। तो राधा जी कहती है, मुझसे चला नहीं जा रहा, रास खेलते खेलते मैं थक गई हूँ, मुझे तो आप अपने कंधे पर बैठा लीजिए। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही श्री राधा जी ने कहा कि मुझे कंधे पर बैठा लो, तो वाला जी श्री कृष्ण जी नीचे बैठे। और जैसे ही नीचे बैठते हैं, श्री राधा रानी जी कंधे पर बैठने लगती हैं, तो उसी समय वाला जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि मूल स्वरूप ने इस समय जोश को खींच लिया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण जी के अंदर एक गुप्त शक्ति थी, वो गुप्त शक्ति क्या थी, वो था श्री राजजी महाराज का जोश। वो राजजी महाराज का जोश ही ये सारी महारास खिला रहा था। और श्री राजजी महाराज ने जब अपने जोश को खींच लिया, तो इधर अक्षर भगवान अपने कहां बैठे हैं, अक्षर भगवान बैठे हैं अपने अक्षर धाम में, पश्चिम की ओर मुख करके ध्यान अवस्था में बैठे हैं। और ऐसे समय के अंदर जैसे श्री राजी ने जोश खींचा, तो अक्षर भगवान देखने लगे कि कौन मन, कौन सखियां, कौन हम, यो चौक के फ्री आत्म, अक्षर की सुरता अक्षर धाम में जगती है। और वो देखते हैं कि ये कौन बन, कौन सा बन था, कौन सी सखियां थी, हम कहाँ थे, है ना। इधर वो जगते हैं और इधर श्री राधा जी जो है ना, वो एकदम बेहोश पड़ी हैं। और सखियों ने सोचा, इतनी देर हो गई, वाला जी बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे। तो सारी सखियां जो बनों में जाके छुप गई थी ना, वो वापिस आई निकल निकल के, आके देखती हैं तो श्री राधा रानी जी तो बेहोश पड़ी हैं और बिलख बिलख के रो रही हैं। और रोते रोते वाला जी ने, सखियां सोचती हैं वाला जी इनको छोड़ के कहां चले गए। तो थोड़ी देर बाद श्यामा जी उठती हैं, राधा रानी जी उठती हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये प्रकरण भी हमारे रास ग्रंथ के अंदर बड़ा आनंदकारी प्रकरण है। वाला जी रे प्रीतम मारा, है ना, ए धनी ए प्रीतम, कितना उसमें विरलाप किया है कि हमारे अंदर अनंत अवगुण थे। श्री श्यामा जी जब उठी, सखियों ने पूछा कि श्यामा जी श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए। तो श्यामा जी राधा जी बोलती हैं कि मेरे अंदर ही अवगुण आ गया था, मैंने ही उनकी पहचान नहीं करी, मैंने ही उनको कह दिया कि मुझे कंधे पर बैठा लो, तो वो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं। तो सारी सखियों ने श्यामा जी को उठाया और उठाने के बाद श्री इंद्रावती जी कहती हैं, वो वाला जी कहीं नहीं जाने वाले, वो यही वृंदावन में होंगे, वाला जी हमसे अलग नहीं रह सकते। तो लाडले सुंदर साथ जी,
श्री इंद्रावती जी जो मानिक देह हैं, उन्होंने वृंदावन के डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछा और बेल से पूछा कि आपने हमारे श्री कृष्ण जी को देखा है? तो कहते पोचे रांची रहे परदार, अपने भरतार के साथ बेल लिपटी हुई थी, वृक्ष के साथ, वृक्ष के इर्द गिर्द बेल लिपटी हुई थी। और वो बेल कहती है कि पति को कभी अलग थोड़ी छोड़ा जाता है, मुझे देखो मैं कैसी लिपटी हुई हूं। ये सारी लीला श्रीमद् भागवत के अंदर सह विस्तार से वर्णन है। सुंदर साथ जी, डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछने के बाद सखियों ने सोचा कि अब क्या करें, वाला जी तो नहीं आ रहे। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा, उनको ब्रिज की लीला बड़ी प्यारी है, गोकुल की लीला, चलिए हम गोकुल की लीला फिर से करते हैं। और सारी सखियों ने गोकुल की लीला शुरू की। कोई सखी यशोदा मैया बनती हैं, कोई नंद बाबा बनती हैं, कोई राधा जी बनती हैं, कोई ललिता सखी बनती हैं, और कोई ग्वाले बनते हैं। अब जब ब्रजमंडल की लीला शुरू हुई तो उस ब्रजमंडल की लीला के अंदर भी शिव जी ने रास ग्रंथ के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि यशोदा मैया माची पे बैठ के दूध बिलो रही है, दही बिलो रही है, और उधर दूध उबल रहा है तो श्री कृष्ण जी को दूध पिलाते हुए छोड़ के वो जब दौड़ के जाती है तो श्री कृष्ण जी ने उनकी मटकी फोड़ दी। और जैसे ही मटकी फोड़ दी तो मैया ने पूछा, ये मटकी कैसे, किसने तोड़ी? तो कन्हैया कहते हैं, ये मटकी तो मैया आपने तोड़ी। मैया कहती, मैंने कैसे तोड़ी? तो बोले, आपने ही तोड़ी है। जब आप दूध उबल रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ जाता है कि दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है, जब आप दौड़ के गई तो आप दौड़ी तो आपके पीछे पीछे आपकी साड़ी दौड़ी, साड़ी दौड़ी तो साड़ी के साथ मटकी दौड़ी और ये टूट गई। तोड़ी तो श्री कृष्ण जी ने थी। फिर मैया यशोदा श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे भागती है, उखल के साथ बांधती है। ये सारी लीला का वर्णन जो है ना सुंदर साथ जी, ये सारी लीला जो सखियों ने की वो लीला है। उस लीला का वर्णन रास के अंदर किया गया है कि किस प्रकार से फिर से वो अनुकरण लीला करते हैं। और जब 11 वर्ष और 52 दिन की लीला का दिन आया, 52 वाली लीला का शुरुआत होने लगी, तो श्री इंद्रावती जी ने बांसुरी ली और कहने लगी कि मैं बांसुरी बजाऊंगी। श्री राधा जी ने कहा, बांसुरी मैं बजाऊंगी। और जैसे श्री राधा जी बांसुरी बजाने लगी तो उसी समय में ही श्री कृष्ण दौड़ के प्रकट हो गए और आके कहने लगे कि बांसुरी बजाना आपका काम नहीं है, बांसुरी बजाना तो मेरा काम है। तो सखियों ने उसी समय श्री कृष्ण जी से पूछा कि ए वाला जी, आप हमें इस वृंदावन के अंदर छोड़ के कहाँ चले गए थे? तो वाला जी कहने लगे, सखियों मैं कहीं नहीं था, मैं तो वृंदावन के अंदर था। सखियां कहने लगी, बोलो ते सर्वे बात झूठी, आप तो सारी बातों में झूठ बोलते हो। आप वृंदावन में थे तो हम इतना बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो आप उस समय क्यों नहीं आए? तो वाला जी ने कहा, एक पेड़ आड़े आ गया था। सखियों ने पूछा, कौन सा पेड़ आड़े आ गया था? तो फिर कहा, समझ गई श्री इंद्रावती जी कि वो पेड़ कौन सा कह रही है, वो हमारी मैं खुदी अहंकार का पेड़, क्योंकि हमने उनकी पहचान नहीं करी श्री कृष्ण जी की। और पहचान न करने से राधा जी ने कह दिया, मुझे कंधे पर बैठा लो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ये तो सब कुछ भूल गई हैं, इन्हें कोई सुध बुध नहीं है। तब जोश खींच लिया और खींच के, और फिर ब्रह्मानंद लीला चल रही थी सुंदर साथ जी। और अब ब्रह्मानंद से भजनानंद स्वरूप आया कर नए सिंगार। अब भजनानंद जो स्वरूप है वो नया सिंगार सज के और फिर से चले आते हैं। और भजनानंद सुख दिए अपार। भजनानंद कैसा स्वरूप है? बिल्कुल हूबहू परम धाम का स्वरूप। श्री राजजी महाराज प्रकट हो गए आके। फिर हमें श्री राजजी महाराज को देखा,
हम सारी सखियां बड़ी आनंदित हो गई और सखियों ने कहा कि बालाजी देखो आप हमें छोड़ के चले गए, हमारी एक एक घड़ी पता युगों के समान बीतती। तो बालाजी भी कहने लगे कि सखियों आप अपनी बात तो कर रही हो, मैं तो आपकी कसम खा के कहता हूं मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सम तुम्हारी, आपकी कसम मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे ही तुम सारी सखियां, पहले योग माया वाले ब्रह्मांड की बात बताते हैं कि सखियों मैंने बांसुरी जैसे ही पटके से निकाल के अपने होठों तक लगाई थी ना, इतने में तो युगों के युग बीत गए थे। ए सखियों मैं आपका विछोड़ा सहन नहीं कर सकता। अब बालाजी ने आके भजनानंद स्वरूप ने फिर से आके हमें महारास रचाई है ना, और महारास जैसी रचाते हैं ना सुंदर साथ जी, रास खेलते खेलते उसके बाद हम रास ग्रंथ के अंदर सुनते हैं कि झीलना करते हैं श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां है ना, झीलने का प्रकरण आता है, झीलना गाते हैं। आनी आरे झीलना रंग सुहामेनो, आपण झीलसु वाला जी ने साथ रे, आनी आरे झीलना रंग सुहामेनो। हम सारी सखियों ने श्री राज जी महाराज के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ जो झीलना किया ना, वो ही झीलना रास ग्रंथ के अंदर है। और झीलना करते हुए वाला जी जल जोर से उछालते हैं, वाला जी उछाले जल जोर सो, आंखों आई गयो चेतामरे। अब सारी सखियां जल के अंदर हैं, श्री कृष्ण जी जमुना जी के अंदर हैं है ना, श्यामा जी भी वही है राधा जी, और झीलने का आनंद ले रहे हैं। और झीलना करते समय सारी सखियों ने वाला जी के ऊपर जल डालना शुरू किया। अब इतनी सखियां वाला जी के ऊपर जल डालेंगी तो आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। अब वाला जी ने देखा कि ये सारी सखियों ने मेरे ऊपर जल डाला, वाला जी उछाले जल जोर सो। अब वाला जी ने तो जल उछालना शुरू किया, ऐसा लगा सुंदर साहब जी कि पूरी जमुना जी उड़ेल देंगे वाला जी, इतने जोर जोर से वाला जी जल उछालने लगे। और जल उछालते उछालते सारी सखियों ने देखा कि वाला जी तो बहुत जोश में आके जल उछाल रही हैं, तो सखियां जमुना जी के किनारे से निकल जाती हैं, दौड़ जाती हैं, भागने लगती हैं, आनंदकारी लीला की। और फिर श्रृंगार सजा, श्रृंगार सजने के बाद सारी सखियां ने वाला जी को भोजन कराया, फिर भोग आ जाता है, फरतन फेर वजोटियो रंग पाकी परवाली। जब श्रृंगार सजते हैं ना रास के प्रकरण में, झीलने वाले प्रकरण में, तो श्री राज जी महाराज आके श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं, सखियां चोटी गूंथ रही थी तो बीच में श्री वाला जी आ गए, वाला जी ने आके श्यामा जी की चोटी गूंथी, श्यामा जी को श्रृंगार सजाते हैं, बड़ी आनंदकारी लीला। और फिर नहाते समय जो वस्त्र उतारे, उन वस्त्रों के ऊपर ढेरी के ऊपर जमुना जी के किनारे वाला जी बैठ जाते हैं, श्री कृष्ण जी बैठ जाते हैं। फिर सारी सखियां वाला जी को भोग लगाती हैं, अनेक कंद मूल वृंदावन के फल तोड़ के और वाला जी को हमने सबने भोग लगाया। तो फिर वो भोग आता है, फरतन फेर बजोटियो रंग पाकी परवाली है ना। तो भोग लगाने के बाद सखियां वाला जी से पूछती हैं कि ए वाला जी आप हमें छोड़ के क्यों गए थे, और वाला जी पूछते हैं कि सखियों आप बताओ कि आपको ये वृंदावन कैसा लगा है ना, वृंदावन का महारास और वृंदावन का आनंद आपको कैसा लगा सखियों मुझे बताओ। क्योंकि इस समय में सारी सखियां अंदर से बहुत सारी बातें वाला जी के साथ करना चाहती हैं। अब वाला जी ने जैसे ही पूछा
तो सारी सखियों ने वाणी के द्वारा जवाब दिया जो श्री इंद्रावती जी ने वर्णन किया है रास के अंदर। श्री इंद्रावती जी वाला जी से कहने लगी, हवे वाला हूं एटलू मांगू, ए वाला जी अब तो हम इतना ही मांगते हैं, खीण एक अलगा ना थइए। ए वाला जी हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि आप हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना। ए प्रीतम ए धनी क्या मांगते हैं? हवे वाला हूं एटलू मांगू, खीण एक अलगा ना थइए। ए वाला जी ए प्रीतम ए धनी हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि आप एक क्षण के लिए भी हमसे अलग मत होना। जी हाँ हमने विरहा नहीं, चालो ते घर जाइए। जी हाँ हमने विरहा नहीं, जहाँ पे बार बार मिलना और बिछुड़ना ना हो। ए वाला जी चलिए हमें उस घर के अंदर लेके चलिए। ए वाला जी हम आपसे इतना ही मांगते हैं। तो अब हम सारी सखियों की सुरता लौट के कहां जाती हैं? हम सारी सखियों की सुरता लौट के मूल मिलावे के अंदर जगती हैं। और जैसे ही मूल मिलावे के अंदर हमारी सुरता जागृत होती है तो तुरंत हमारे मन में फिर आ गई बात कि वाला जी तो कहते थे आग पानी पत्थर पूजोगे और जाओगे मुझको भूल। वाला जी कहते थे कि आप आग पानी पत्थर पूजोगे मुझे भूल जाओगे। अरे हम तो ब्रजमंडल में गए तो वाला जी के साथ रहे, रास के अंदर गए तो वाला जी के साथ रहे, है ना, हम तो वाला जी को एक पल भी नहीं भूले। और वाला जी कहते थे वहां जन्म होगा मरण होगा, मिलना होगा बिछुड़ना होगा, ईर्ष्या होगी द्वेष होगा, ऐसा खेल तो हमने देखा ही नहीं। और प्रकाश ग्रंथ के अंदर श्री इंद्रावती जी वर्णन करती हैं, उमेंदा न होइया पूरण धाख मन में रही, तब अंतर्गते हुकम की दो सही। हमारी उमेंदे पूर्ण नहीं हुई, हमारी चाहना बाकी रह गई खेल देखने की, और तब श्री राजजी महाराज ने दिल से ही हुक्म कर दिया। तब तीसरो रच के खेल श्री श्यामा जी आए इत, फिर तीसरे ब्रह्मांड की रचना होती है और तीसरे ब्रह्मांड के अंदर श्री श्यामा जी महारानी इस संसार के अंदर कैसे आती हैं। अब तीसरा ब्रह्मांड जब रचाया गया तो तीसरे ब्रह्मांड के अंदर वाला जी ने इस संसार के अंदर हमें खेल दिखाने के लिए फिर से रास खेल के आए बरारब श्याम, ता बात सब जाहिर करी चलिया मारग इनसे। कहते रास खेलने के बाद अरब देश के अंदर कौन आते हैं? मोहम्मद साहब जी, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी अखंड ब्रज को और अखंड रास को सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड कर दिया और सबलिक ब्रह्म के महाकारण के अंदर रास अखंड कर दिया। और इसके बाद तीसरा ब्रह्मांड फिर से रचाया गया जो शिव जी कह रही हैं, ब्रज रास दऊ अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। कहते फिर तीसरे ब्रह्मांड की रचना की और तीसरे ब्रह्मांड के अंदर रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। रासलीला खेलने वाला जो स्वरूप है ना, वो ही अरब देश के अंदर मोहम्मद साहब बन के आते हैं। तब बात सब जाहिर करी चलिया मारक इनसे। और उस समय में तीसरे दिन के अंदर क्या किया, अरब देश के अंदर आए और शरीयत का मार्ग इन्होंने बताया चलाया। तो 6 दिन की लीला श्री राजजी महाराज ने बनाई, 5 स्वरूप हैं और 6 दिन की लीला बनाते हैं श्री राजजी महाराज परम धाम के अंदर। 6 दिन कुरान में वाक्य भय जब
ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब, कहते छह दिन की लीला है। पहला दिन कौन सा है? ब्रज का, और दूसरा दिन रास का, और तीसरे दिन मोहम्मद साहिब जी आए, और चौथे दिन में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए, और पांचवे दिन में स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, और छठा दिन किनका है? छठा दिन है परम धाम की आत्माओं का, ब्रह्म सृष्टि का। और तीसरे दिन के अंदर मोहम्मद साहिब जी का स्वरूप इस संसार के अंदर 63 वर्ष तक लीला की, और 63 वर्ष की लीला करते करते अनंत उनकी लीलाएं हैं सुंदर साथ जी बसरी सूरत की। लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ए है दिन तीसरा रे 60 बरस और तीन, रब्बानी कलाम लाए के सबको दिया आकीन। मोहम्मद साहिब जी कुरान लेके आए, सबको विश्वास दिलाया, पर एक कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार, परे चौथे दिन की संया करो विचार। आप स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साहब जी, ब्रज की लीला, रास की लीला, तीसरे दिन की लीला का तो विस्तार बहुत है, अगर हम वर्णन करने लगे हैं तो एक एक लीला से एक एक बीतक पूरी हो जाएगी, पर हम बात करना चाहते हैं कौन सी लीला की? चौथे दिन की, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज को बड़ी जल्दी है कि कैसे मैं सुंदर साथ को अपने हादियों की लीला सुनाऊं, क्योंकि बात हो रही है निष्कलंक बुद्ध अवतार की, कि निष्कलंक बुद्ध अवतार किस प्रकार से दुनिया के अंदर प्रकट होंगे, कैसी लीला होगी जो हम भविष्य पुराण के अंदर सुन के आए हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को लीला सुनाई। तो वो चौथे दिन की जो लीला है, उस चौथे दिन की लीला का वर्णन करते हैं। साल नव से 90 मास नव हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। साल नव से 90 मास, 990 साल 9 महीने जब बीत गए, तो श्यामा जी महारानी अखंड परम धाम की महारानी श्री राज जी महाराज के साथ सिंहासन पर बैठने वाली ऐसी श्री श्यामा जी महारानी अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टि को लेके और इस खेल के अंदर प्रकट होती हैं। संबत 1638 आसो सुदी 14 को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, संबत 1638 आसो का महीना है और शुक्ल पक्ष की 14 है, जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। प्रगटे, कहते प्रगट हुए हैं कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मारवाड़ के अंदर उमरकोट गांव के अंदर प्रकट होते हैं, और इस समय में अखंड आनंदकारी श्री श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रकट होती हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी पहले से भविष्यवाणियां की गई थी कि वो 28वें कलयुग के अंदर परम धाम की परमंस ब्रह्म मुनि उतर के आएंगे। आज वो परमंस ब्रह्म मुनि इस संसार के अंदर श्री श्यामा जी महारानी जी के साथ प्रकट हो रहे हैं। तो कहते कहां प्रकट हुए हैं? मारवाड़ के अंदर उमरकोट गांव है, और उमरकोट गांव में मतु मेहता जी और कुंवर बाई जी रहते हैं। मतु मेहता और कुंवर बाई जी की आयु बहुत हो चुकी है, कितने समय से उनके यहाँ पे संतान नहीं थी, और एक दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि सारी लीला तो श्री राजजी महाराज ने तैयार की है ना। कुंवर बाई माता को ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा उतर के और मेरे मुखमंडल के अंदर चला गया, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। और जब ऐसा प्रतीत हुआ तो मत्तु मेहता जी ने ज्योतिष को बुलाया
और ज्योतिष से पूछते हैं कि आज कुंवर बाई को ऐसा लगा कि मानो चंद्रमा मेरे मुखमंडल के अंदर चला गया। तो ज्योतिषों ने पहले से भविष्यवाणी कर दी कि आपके यहाँ पे एक देव चंद्र के रूप में एक पुत्र प्रकट होगा, है ना। तो बड़ी खुशी हुई मत्तु मेहता जी, क्योंकि मत्तु मेहता जी तो बाहर चले जाते थे बार बार अपना बिजनेस के लिए, अपने काम धंधे के लिए। और जैसे ही मत्तु मेहता को पता लगा तो मत्तु मेहता जी बड़े प्रसन्न हुए, और ये जो चंद्रमा देखा था आज वो चंद्रमा जैसा स्वरूप ही सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज सुंदर शीतल स्वरूप सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज का मत्तु मेहता और कुंवर बाई माता के घर में प्रकट होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसी आनंद अंग श्यामा जी महारानी आज उमरकोट गांव के अंदर किस प्रकार से प्रकट होती हैं। हाय कैसी आनंद सुखकारी, श्री श्यामा जी दुल्हन तुम्हारी। हाय कैसी आनंद सुखकारी, श्री श्यामा जी दुल्हन तुम्हारी। ओ मत्तु मेहता की आंखों के तारे, श्री देव चंद प्यारे, वो सतगुर बनकर आ गए हैं। ओ मत्तु मेहता की आंखों के तारे, श्री देव चंद प्यारे, वो सतगुर बनकर आ गए हैं। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। ऐसी आनंदकारी श्यामा जी महारानी। तो कहते हैं कि जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। जब जन्मे मारवाड़ में सतगुरु देव चंद्र जी महाराज जब मारवाड़ के अंदर प्रकट होते हैं, घर अति आनंद नर नार, सारे उमरकोट गांव के राजा तक, हमने नवरंग स्वामी जी की भी तक में सुना था ना कि वहां का राजा भी इतना प्रसन्न होके मत्तु मेहता जी और कुंवर बाई जी को आके बधाई देते हैं, क्योंकि इतनी लंबी आयु के बाद आज घर में पुत्र हुआ है। तो कहते हैं मारवाड़ के अंदर सतगुरु देव चंद्र जी महाराज प्रकट हुए, तो आनंद अंग श्यामा जी महारानी है ना, ऐसी आनंद अंग श्यामा जी महारानी प्रकट हो तो भला आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन है, वो आनंद अंग है। श्री राजी महाराज के दिल का आनंद प्रकट हुआ है, श्री राजी महाराज के दिल का आनंद है श्री श्यामा जी महारानी। तो ये बधाई ब्रह्मांड में, तो कहते पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर ये बधाई गाई गई, और त्रिगुण समेत विस्तार। कहते ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महादेव भी बधाई देते हैं। क्यों? सुखदाई सबन को अखंड करण हार। कहते सुखदाई सबन को, ये श्री श्यामा जी महारानी विश्व ब्रह्मांड को सुख देने के लिए आई हैं, और विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई हैं। जब श्यामा जी महारानी आती है ना, तो तारतम तो उनके अंदर ही है, पर लीला के लिए ये सब दिखाया जाता है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत।
वो तारतम महामंत्र लेके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो जाती हैं। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे प्रक्षत सुकया यो कर। सुखदेव मुनि जी ने राजा प्रक्षत से कहा कि योग माया की सब शक्तियां अक्षर का ध्यान करते हैं, है ना, और उनका प्रकट होना सुखदेव जी को ने राजा प्रक्षत को बताया भागवत के अंदर कि आज तक ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि नारायण सब अक्षर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो आई है श्यामा जी महारानी, ये परम धाम की महारानी, ऐसे आनंद अंग श्यामा जी महारानी संसार के अंदर जो प्रकट हुई है ना, ये तो विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए, विश्व ब्रह्मांड को सुख देने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुई है। तो सारे ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, महादेव ने, आदि नारायण ने, सभी ने, विश्व ब्रह्मांड ने बधाई दी कि ऐसी श्यामा जी महारानी का आगमन इस धरातल के ऊपर हो चुका है। तो कहते हैं बीतक के अंदर कि ये कौन है जो आए हैं, ये देवापी हैं। देवापी के जीव के ऊपर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आके प्रकट होके बैठेंगे और देवापी ने अनंत समय तक तपस्या कर करके मांगा कि जब सुंदरी सखी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो तो वो मेरे जीव के ऊपर आके बैठे, है ना, मैं वो आनंद ले सकूं। तो आज श्री श्यामा जी महारानी सुंदरबाई की आत्म देवापी के जीव के ऊपर आके विराजमान होती हैं। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। कहते सतयुग का जो बीज, सत क्या है, सत है परम धाम, परम धाम का बीज क्या है, तारतम और तारतम वाणी, और वो तारतम और तारतम वाणी का विस्तार किनके द्वारा होगा, एक देवापी और एक मरु, ये दोनों राजा थे। देवापी के अंदर तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज देवापी के जीव पे विराजमान होंगे और मरु के जीव के ऊपर श्री इंद्रावती जी की आत्म आके विराजमान होगी, ठीक है सुंदर साहब जी। और इनो बीच रहे विस्तार, इन दोनों के द्वारा विश्व ब्रह्मांड के अंदर अखंड परम धाम के बीज का, अखंड परम धाम की लीला का विस्तार होगा। होवे सब में जाहिर, और सारी दुनिया के अंदर ये दोनों स्वरूप जो है ना, ये अखंड परम धाम के बीज को, क्योंकि बीज क्या है, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। बीज क्या है, बीज है तारतम, तारतम रूपी बीज लेके कौन आए, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और तारतम का तारतम लेके कौन पधारेंगे, आप अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री जी साहेब जी आएंगे, है ना। और वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर, सारे शास्त्रों के अंदर पहले से भविष्यवाणियां की गई थी, जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से सारे शास्त्रों के अंदर साक्षियां दी गई थी। वेदा ते कतेबा विच आईया साड़ियां चिट्ठियां, वेदों के अंदर कतेबों के अंदर साक्षियां दी गई थी। और कहते हैं जब को ये ब्रह्मांड तब के ए वचन, जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। कहते जब से ये ब्रह्मांड बना है तब के ये वचन है, और जन्म से लेकर आखिर तक जो भी तक को सुन लेगा ना, उसके मन के अंदर पक्का विश्वास हो जाएगा। किसके प्रति, धाम धनी जी के प्रति पक्का विश्वास हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ऐसे दो स्वरूप इस 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होंगे, जो स्वरूप विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आएंगे। और ये सारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ था, वेद में, शास्त्रों में, पुराण में, कुरान में, है ना, और सारी सृष्टि इनको सेजदा करेगी इन दोनों स्वरूपों के आगे।
आज तक जो जीव सृष्टि की दृष्टि अक्षर धाम तक नहीं जाती थी, और वो जीव सृष्टि भी अगर ये ब्रह्म वाणी को सुन ले, ये बीतक को सुन ले, ये वाणी चर्चा को सुन ले, तो ये वाणी चर्चा सुन के उनका चिद भी कहाँ पहुंच सकता है, उनकी सुरता भी यहाँ बैठे बैठे ध्यान से देखना चाहें तो वो भी परम धाम का आनंद ले सकते हैं। ए सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, चौथे आसमान लाहूत से ये परम धाम की लीला की सारी शुद्धि लेके आए। कौन लेके आए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो शिवजी साहिब जी कहते हैं अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा हृदय धरे पीछे सुख होसी सबन पसरसी चौदे भवन। आज तक परम धाम की लीला इस संसार के अंदर जाहिर नहीं हुई थी, क्योंकि जब अक्षर भगवान को ही पता नहीं था कि अक्षरातीत के रंग मोहल के अंदर कैसी लीला होती है, तो फिर दुनिया वालों को कैसे पता होगा, है ना सुंदर साथ जी। तो फिर दुनिया वालों को अखंड भी करना है धनी ने, किसके कारण अखंड करेंगे कि ब्रह्म सृष्टि संसार के अंदर आएगी श्यामा जी महारानी के साथ, 12,000 ब्रह्म आत्माएं हम भी साथ में प्रकट हुए। सदगुरु देवचंद्र जी का नारियल जब तोड़ते हैं ना, अपना भी तोड़ लिया करो कि हम कब से आए हैं सुंदर साथ जी, हम भी श्यामा जी के साथ संबत 1638 से ही उतर के आए हैं। मोमिन उतरे तब, कब उतरे मोमिन? जब श्यामा जी महारानी आई, क्योंकि हम किसके अंग हैं? श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। तो कहते ए सुध ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, ये शुद्धि सारी की सारी। चौथा आसमान कौन सा है जिसमें हम बैठे हैं? ये नासूत है लाडले सुंदर साथ जी, फिर इसके बाद मलकूत है, बैकुंठ है, फिर उसके बाद जबरूत है, अक्षरधाम है, फिर उसके बाद लाहूत है, अखंड श्री परम धाम है ना। और उस परम धाम से अखंड आनंदकारी श्यामा जी महारानी अपने समुदाय सहित इस संसार के अंदर प्रकट होती हैं, और क्या लेके आती हैं? तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। कहते उनके द्वारा ही शर रूपी ब्रह्मांड, शर से परे अक्षर से परे अक्षरातीत धाम की सारी पहचान हमें किनके द्वारा मिली? हमें सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा मिलती है। और ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस ब्रह्मांड के अंदर हम समस्त सुंदर साथ को जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि धाम धनी ने उनको भेजा है। रू अल्लाह सुभाने भेजिया रूहे अपनी जान, पियू प्यारे भेजी रू अपनी तुम क्यों ना करो पहचान। रू अल्लाह को हमारे सुभान ने, हमारे प्रीतम ने भेजा इस संसार के अंदर किसको जगाने के लिए? हम सुंदर साथ की जागनी के लिए, हमें जगाने के लिए कौन चल के आए? श्यामा जी महारानी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। आप कहोगे कि प्राणनाथ जी क्यों कह रहे हो? तो वाणी के अंदर श्रीजी साहिब जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए बार बार प्राणनाथ शब्द का उपयोग करते हैं, है ना। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, अरे भूली है धाम की जमात जगाने प्राण नाथ जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए, सबसे पहले श्यामा जी आए। इस संसार के अंदर सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में कौन प्रकट होंगी? श्री श्यामा जी महारानी आएंगी। और श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर किसने भेजा? धनी जी ने भेजा। धनी जी ने कहा ल्याओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक
रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। ए श्यामा जी महारानी जाइए आप सारी ल्याओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूए मेरी आशिक। श्री राजी महाराज ने श्यामा जी से कहा कि श्यामा जी महारानी उन लाडली आत्माओं को बुला लो जो कहती थी हम आपके आशिक हैं, जो रूए मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते। उन्होंने मेरे साथ प्रेम संवाद किया था कि हमारा प्यार ज्यादा है, कहियो कहलाया हक। जाओ श्यामा जी महारानी मेरा संदेशा दो और उनको बुला के ले आओ। तो लाडले सुंदर साथ जी, ऐसी श्यामा जी महारानी इस संसार के अंदर हम परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए पधारी हैं, जगाने के लिए पधारी हैं, क्योंकि श्यामा जी महारानी राजी महाराज के सिंहासन पर बैठने वाली और इस संसार के अंदर जैसे ही प्रकट होती हैं, तो बचपन से ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का मन इस संसार के अंदर नहीं लगता। छोटे से 5 वर्ष के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होते हैं ना, तब से ही कोई मांगने वाला अगर घर पे आ जाता है ना, वो आके कहते ना आलख निरंजन, तो देवचंद्र जी महाराज उससे पूछते हैं तुझे मैं बहुत सारा आटा दे दूंगा, बहुत सारा धान दे दूंगा, पर मुझे ये बता दे अलख कौन है, निरंजन कौन है। 5 वर्ष के थे और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज छोटे होते ही हमने नवरंग स्वामी जी की लीला में सुना कि बचपन की लीला कितनी करती हैं। उमरकोट गांव के अंदर जितने भी पुराने पुराने मंदिर थे उनकी मूर्तियां सब टूटी हुई थी और अपनी बच्चों की टोली दोस्तों की टोली को लेके जाते हैं, उन मूर्तियों को मिट्टी में से निकाल के और सुंदर साफ करके विराजमान करते हैं, उनको दूध और फल खिलाते हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हाथों से वो मूर्तियां प्रसन्न होके भोजन ग्रहण करती हैं। वो मूर्तियां पत्थर की जो है ना, वो सारी की सारी बोलती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ। और जितने भी जैन संप्रदाय के पहले हो चुके वो सब के सब जैनियों के साथ लीला करते हैं। शिवजी वहां प्रसन्न हो जाते हैं देख के, सभी मंदिरों में जाते हैं और सभी मंदिरों के अंदर जा जाके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब लीला करते हैं तो पत्थर की मूर्तियां सतगुरु देवचंद्र जी के साथ हंसने लगती हैं, बोलने लगती हैं, है ना। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब देखते हैं कि मैं इनको दूध पिलाता हूं तो ये दूध पी लेती हैं। एक दिन तो संध्या के समय शमशान घाट की तरफ चले गए और वहां से प्रेतों की टोली निकल के आ गई और जैसे प्रेत आए तो सारे देवचंद्र जी के साथ जो बच्चे थे दोस्त थे वो सारे डरने लगे। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा डरो मत, चुल्टी में पानी लिया देवचंद्र जी महाराज ने और सबके ऊपर डाल दिया और वो सारे के सारे जो प्रेत थे वो प्रेत सारे के सारे, कोई शेर बन के दहाड़ रहा था, कोई सिहाज बन के अनंत प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पानी की चुल्टी भर के उन प्रेतों पे डाली तो वो सुंदर स्वरूप बन के आकाश के अंदर उड़ने से पहले सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के श्री चरणों में सजदा बजाते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनके लिए विमान आए और वो विमानों के अंदर उड़ के चले गए। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ये सब कुछ देखते हैं, तब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के मन में आता है जब भया बरस अग्यारवा तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां थे आया कहां है मेरो भरतार। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 11 वर्ष के हो जाते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, तब उनके मन में विचार उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे हाथों से पत्थर की मूर्तियां भोजन अरोगती हैं, मेरे साथ खेलती हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा के भरतार, मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है। तो इस समय में वो प्रदेश के अंदर पूछते हैं कि वो जो परमेश्वर है वो कहाँ है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। किसी ने कह दिया कि वो तो घट घट में व्यापक है, तो देवचंद्र जी महाराज बोले फिर तो उनको पाना बड़ा आसान है,
फिर उमरकोट गांव के अंदर एक मंदिर है और उसमें पिंगल श्याम जी की मूर्ति है, वहां सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जाते हैं और जाके 3-3 घंटे तक परिक्रमा करते हैं, वहां जाके सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और प्रातः काल के समय सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को कोई किसी की शर्म नहीं है, लाज नहीं है, उनके मन में एक ही बात है कि मैं किस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी को पाऊं। तो कहते ले लोटा घर से चले, दंत धावन के काज शुद्ध आकार करके फिरे, आवे ना मन में लाज। एक लोटा लेके घर से जाते हैं देह क्रिया के लिए और इस देह क्रिया का सारा कार्य करके और धोती और कुर्ता पहन के रहते हैं, उनके मन के अंदर जरा भी लाज और शर्म नहीं है। स्नान करने के बाद मंदिर में जाके नित इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर, एक पहर तक 3-3 घंटे तक सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पिंगल श्याम जी की मूर्ति के आगे परिक्रमा करते हैं, फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर और पहले परिक्रमा करते हैं फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। और इतनी मेहनत कर रहे हैं, कई कसनी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन, इतनी सारी कसनी जो कर रहे हैं ना वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि पिया जी को कैसे मिला जाता है, धनी को कैसे पाया जाता है, क्योंकि धाम धनी का पावना बच्चों का नहीं खेल। धनी को पाने के लिए श्री श्यामा जी महारानी तो देवापी जीव के ऊपर उनकी सुरता बैठी है, उनकी शक्ति विराजमान है, वो तो दृष्टा बन के बैठी है, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी ये जो परिक्रमा करेंगे, ये जो हरिदास जी के यहाँ पे बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, ये सारा कार्य कौन कर रहा है, देवापी का जीव। हाँ, उनकी तो सुरता, उनकी आत्म, उनकी शक्ति तो बैठ के देखेगी। और अब क्या उनको लगा कि उस देश में साध संत आवत नहीं कोई, उमरकोट गांव के अंदर कोई साधु महात्मा नहीं आता, क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत कमी थी और पानी की कमी के कारण को, क्योंकि जो संत गुरुजन होते हैं उनमें उनको दिन में 2-3 बार स्नान करना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है और वहां कोई साधु संत आते नहीं है पानी की कमी के कारण। तो एक बार क्या हुआ सुंदर साथ जी, मत्तु मेहता जी अपना व्यापार करने के लिए कच्छ में जाते हैं तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने पिता श्री जी के साथ कच्छ में चले जाते हैं और वहां भी उन्होंने देखा कि अनेकों मंदिर हैं, अनेकों साधु संत हैं, यहाँ पे मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पा सकता हूँ। और उस समय की बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तब से दिल के अंदर एक ही बात खड़ी हो गई कि मैं कच्छ में जाऊं, वहां जाके खोज करूं, पाऊं परमेश्वर इनसे, मैं वहां जाके खोज करूं, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाऊं। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का महाराज जी का दिल घर के अंदर तो लगता नहीं है, माता जी के साथ पिताजी के साथ खटपट रहती है, हैं घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, घर के अंदर खटपट, क्योंकि माता जी चाहती हैं जैसे दुनिया के बच्चे घर में रहते हैं ये बच्चा भी हमारे साथ वैसे ही लाड करे, प्यार करे, खेल ले। पर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का मन एक पल के लिए भी इस संसार के अंदर नहीं लगता और मन के अंदर इस माया से तो बैर हो गया है और धनी जी के लिए राग हो गया है, दुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग, उनको देखते तो अंदर से आग लगती है। अब मत्तू मेहता जी ने, कुंवर बाई माता जी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया कि भाई कोई तो इनको आके समझाए, इनको कोई तो शिक्षा दे, लेकिन किसी की भी शिक्षा को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज समझते ही नहीं है, सारे समझा समझा के रह गए कि बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं, ये जो बचपन होता है ये हंसने खेलने के लिए, लाड प्यार के लिए होता है, क्या लगा रखा है अभी से कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, उनका घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। तो श्री देवचंद्र जी के मन में तभी से था, श्री देवचंद्र जी के मन में मैं जाऊं कहूं विदेश
तहां जाए के खोज करूं, मोहे देखो ही उपदेश। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं कच्छ में जाऊं और वहां जाके खोज करूं और कोई मुझे उपदेश दे। तो वहां पता लगा कि एक राजा का राजकुमार है और उसकी शादी है। और वो उस समय में शादी कैसे होती थी, तलवार लेके जाते थे और तलवार के साथ दुल्हन के फेरे करवा के ले आते थे। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को पता लगता है तो वो तुरंत मंत्री के पास जाते हैं और मंत्री से जाके बात करते हैं, वजीर के साथ जाके बात करते हैं कि मैंने सुना है आप कच्छ में जा रहे हो। तो वो वजीर कहता है हाँ जी जा रहे हैं। कहते मुझे भी जाना है। तो मंत्री ने कहा आपके पास कोई सवारी है क्या? सवारी नहीं होगी तो आप हमारे साथ पैदल कैसे चल सकते हो? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि हम आपके साथ साथ ही चले आएंगे। तब कहा श्री देवचंद्र हम चले आएंगे। तब उन्होंने बरजे जिन संग आओ हमारे, उन्होंने मना किया कि हमारे साथ मत आना, अकेले आना है। तो देवचंद्र जी ने मन में सोचा कि मुझे पूछने की क्या जरूरत है, मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। और घर में जाके देवचंद्र जी महाराज तैयारी करने लगे। थाली ले ली, कटोरा ले लिया, कढ़ाई ले ली, आटा दाल चावल नमक मिर्च हल्दी सब कुछ ले लिया और एक निमचा कमर में बांधने के लिए और कुछ थोड़े से कपड़े रख लिए और एक बगुच्चा बांध के तैयार कर लिया, थोड़े से पैसे भी रख लिए उसमें। और प्रसाद लेके, भोजन प्रसाद लेके माता जी कुंवर बाई जी और पिता मत्तु मेहता जी पोड़ रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि शाम हो गई है, मैं कैसे जाऊं? और जब तक माता जी पिताजी जाग रहे हैं तब तक कैसे जाऊं? और जब ये सो जाते हैं माता जी पिताजी, तब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को कमर बांधते बांधते थोड़ी देर हो गई। और वो जो थे सारे के सारे राजा का जो मंत्री था और बारात थी, वो बारात निकल जाती है। और अब देवचंद्र जी महाराज अपनी बहुत तेजी के साथ पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे जाके पहुंचना है। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकल रहे हैं और किस प्रकार घर से निकलेंगे और किस प्रकार पहुंचेंगे, ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। कल हमने प्रश्न पूछा था कि पहला दिन कौन सा था, सबसे पहले हम कहां उतर के आए, तो कल का जवाब दिया हमारी नरेंद्र जी संतोष जी गुड़गांव के, सबसे पहले हम ब्रिज मंडल में उतर के आए। ठीक है, हमारे नरेंद्र जी संतोष जी गुड़गांव को धाम सखी का खिताब दिया जाता है। श्री राज जी महाराज की अपरंपार कृपा उन पर बरस रही है और सदा सर्वदा बरसती रहे। लाडले सुंदर साथ जी आज का प्रश्न है कि आदि फल देखने की किसकी इच्छा थी और अनादि फल देखने की किसकी इच्छा थी। ठीक है, आदि का फल किसने देखना था और अनादि का फल किसने देखना था। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई ईत, वे असवार गए ए पीछे चले जाए तीत, ए पीछे चले जाए तीत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय, उमरकोट गांव की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 4 बजे। ठीक है, पूरे नियम के साथ दिल के साथ इस बितक वाणी चर्चा का रसपान हम सभी मिलके करेंगे। प्रणाम जी।